गाजा के रण में इजरायली सेनाएं अब धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही हैं। हमास के लड़ाके एक एक कर इजरायली बलों पर हावी हो रहे हैं। इजरायली हमलों के द्वारा खंडर बन चुके गाजा का अब हमास फायदा उठा रहा है। उसके लड़ाके घात लगाकर और चुन चुन कर इजरायली बलों को अपना निशाना बना रहे हैं। गाजा में जारी इस गुरिल्ला युद्ध में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर पूरी तरह से हावी हैं। हमास के लड़ाकों ने गाजा की जमीन के नीचे भारी भरकम विस्फोटकों का जाल बिछा रखा है, जिसकी चपेट में आने से इजरायल अपने एक एक सैनिक को खोता जा रहा है। इसी बीच इजरायली बलों ने बताया कि उत्तरी गाजा में उनके टैंक पर हमला होने से उसके दो रिजर्विस्ट मारे गए हैं। दोनों जवान उसकी 8वीं रिजर्व आर्म ब्रिगेड के भीतर 129वीं बटालियन के सदस्य थे। इसके अलावा गाजा के दक्षिणी हिस्से में एक ब्लास्ट में भी कई आईडीएफ के जवानों की जान चली गई। वहीं इजरायली मीडिया ने गाजा की बिल्डिंग में विस्फोट की खबर दी है, जिसमें कई सैनिक मारे गए। बताया गया कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर गाजा में हुई घटना के कई घायलों को लेकर अलकुद्स के शारे जेडेक अस्पताल पहुंचा है। इससे पहले इजरायली सेना का एक बख्तरबंद वाहन विस्फोट की चपेट में आने से उसमें 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई। जान गंवाने वालों में 601वीं इंजीनियरिंग बटालियन की एक कंपनी का डिप्टी कमांडर भी शामिल था। इसके अलावा बीते दिनों दक्षिणी गाजा में 3 इजरायली सैनिकों के साथ मेजर रैंक के एक कंपनी कमांडर की मौत भी हो गई थी। बीते साल 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर 661 हो गई है। इसमें गाजा में जमीनी हमलों की शुरुआत के बाद से मारे गए 311 सैनिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 3600 से ज्यादा इजरायली सैनिक इसमें घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी माना कि दक्षिणी गाजा में एक बख्तरबंद वाहन में सो रहे उसके 8 इजरायली सैनिकों की हमास के हमले में मौत हो गई है। इस बीच अलकासिम ब्रिगेड ने खुलासा किया कि राफा शहर के पश्चिम में तेल अल सुल्तान में सऊदी पड़ोस में घुसने वाले इजरायली वाहनों के खिलाफ उसके लड़ाकों ने घात लगाकर इजरायली बलों पर करारा हमला किया। रेजिडेंस ग्रुप की माने तो D9 सैन्य बुलडोजर को अल यासीन 105 शेल ने निशाना बनाया। इससे वो आग का गोला बन गया, जिसके बाद उसमें मौजूद इजरायली बलों की जान चली गई। इस दौरान रेस्क्यू टीम के आने के तुरंत बाद लड़ाकों ने एक नामेर APC यानी बख्तरबंद वाहन को अल यासीन 105 गोले से निशाना बनाया, जिसके कारण उसमें भीषण विस्फोट हुआ और उसके सभी चालक दल के सदस्य मारे गए। हालांकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में 8 इजरायली सैनिकों की जलकर मौत हो गई, जिसने राफा में नामेर जैसी APC को निशाना बनाया। अलकासिम के बयान से पहले ये बताया गया था कि APC पर एक एंटी टैंक गोला दागा गया था, जिसके कारण वाहन में विस्फोट हुआ और आग लग गई, जिसके अंदर सो रहे 8 सैनिकों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में इजरायली सेना का एक लड़ाकू अधिकारी भी शामिल था। बताया जाता है कि विश्व बिरादरी में नामेर APC सबसे एडवांस और भारी बख्तरबंद वाहनों में से एक गिना जाता है।